हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अंकिता धीमर। आज हम मैथ्स में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। हमें नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ा था, ओके। इसी तरह हम आज बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन कैसे करें वो हमें पढ़ना है। इन दिस मल्टीप्लिकेशन वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द थ्री टर्म्स इन द ट्राइनोमियल बाय ईच ऑफ द टू टर्म्स इन द बाइनोमियल। वी शैल गेट इन ऑल 3 × 2 = 6 टर्म्स व्हिच मे रिड्यूस टू 5 और लेस इफ द टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट इन लाइक टर्म। कंसिडर कि हमें यह क्या दिया है, बाइनोमियल a+7। बाइनोमियल में 2 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 1, 2 और 3, टोटल कितनी हुई, 6, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल a+7 है और ट्राइनोमियल a²+3a+7, वो दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो a है, a का मल्टीप्लिकेशन सारे ब्रैकेट के साथ प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन यह सारे ब्रैकेट के साथ, ओके। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, a का मल्टीप्लिकेशन स्क्वेयर के साथ, फिर एक का 3a के साथ, फिर एक का 5 के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, a² a³ होगा प्लस a का मल्टीप्लिकेशन 3a के साथ, 3a² होगा, a 2 बार है, स्क्वेयर होगा, फिर प्लस a का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, 5a होगा, ओके। प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन स्क्वेयर के साथ, 7² प्लस 7 × 3a 21a, ओके। प्लस 7 × 5 35 होगा। अब हम क्या करेंगे, a³ को हम एज इट इज लिखेंगे और जो 3a² है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, उसकी पावर सेम है इसीलिए, ओके। फिर 5a और 21 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं और फिर 35, ओके। a³ एज इट इज 7a² + 3a² उसका हमें एडिशन करना है, 10a² होगा प्लस 5a प्लस 21a 26a होगा प्लस 35। तो हमें यह क्या किया, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन किया। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई a+b (2a-3b+c) (2a-3b) मल्टीप्लिकेशन सी। तो हमें क्या करना है, ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल उसका हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसका और दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम a+b बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a के साथ 2a, ओके, a × 2a 2a², a के साथ -3b तो माइनस साइन होगा, 3ab, ओके। प्लस a के साथ c मल्टीप्लिकेशन, ac, ओके। फिर b के साथ नेक्स्ट एग्जांपल, सिंप्लीफाई a+b 2a-3b
प्लस सी माइनस टू ए माइनस थ्री बी इंटू सी। यहाँ पे बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करना है। तो हमें पहले बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें एक ही साथ सारे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस बी के साथ सारे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, अब हम ए को टू ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू ए स्क्वेयर होगा, ए का माइनस थ्री बी से माइनस थ्री ए इंटू बी प्लस ए के साथ सी का मल्टीप्लिकेशन ए सी होगा प्लस बी का टू ए के साथ टू ए बी। ओके, फिर बी का माइनस थ्री बी के साथ, तो यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस थ्री बी स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी बी सी। ओके, सो टू ए स्क्वेयर एज इट इज माइनस थ्री ए बी और प्लस टू ए बी माइनस थ्री ए बी प्लस टू ए बी। प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो थ्री में से दो माइनस करेंगे तो वन ए बी और साइन माइनस की होगी नहीं। ओके, तो माइनस ए बी होगा प्लस ए सी एज इट इज प्लस बी सी एज इट इज और माइनस थ्री बी स्क्वेयर। ओके, हमने क्या किया बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, ए का मल्टीप्लिकेशन यह ब्रैकेट के साथ बी का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया टू ए स्क्वेयर एज इट इज, उसको हमें क्या किया प्लस माइनस माइनस होता है माइनस ए बी होगा। ओके, एज इट इज प्लस ए सी माइनस थ्री बी स्क्वेयर एज इट इज और बी सी बी एज इट इज। अब हमें उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है टू ए सी माइनस साइन ओके माइनस थ्री बी सी। ओके, अब हम दोनों का क्या करना है सब्सट्रैक्शन, हमें दोनों वैल्यू फाइंड की उसका हम क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। हमें क्या करना है टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस थ्री बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, एज इट इज माइनस टू ए सी। ओके, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस थ्री बी सी। अब हम क्या करने वाले हैं टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस थ्री बी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पे बी सी बी सी उसको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं प्लस बी सी प्लस थ्री बी सी। अब हम एसी एसी को भी एक ब्रैकेट में कर सकते हैं टू ए सी। ओके, टू ए स्क्वेयर यह टर्म एज इट इज बी सी प्लस थ्री बी सी क्या होता है फोर बी सी होता है प्लस ए सी माइनस टू ए सी क्या होता है ये वन ए सी है। ओके, वन प्लस में है माइनस टू ए सी प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस माइनस वन ए सी उसको हम ए सी भी लिख सकते हैं ना, उसको हम ए सी भी लिख सकते हैं, तो माइनस ए सी। मैं आपको फिर से समझाती हूँ हमें क्या करना है बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों का हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है। इसका आंसर यह आया माइनस उसका
ये आया ओके। तो हमें क्या करना है, 2a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी एज इट इज, और माइनस की साइन माइनस 2ac, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ओके। फिर 2a स्क्वायर एज इट इज, ए बी 3b स्क्वायर एज इट इज, और bc और 3bc उसको हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, प्लस ac और 2ac को भी हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो हमें क्या डिफाइन करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ओके, माइनस ए बी प्लस, यह टर्म एज इट इज रहेगी, जो ब्रैकेट में है 3bc प्लस bc 4bc होगा, और ac माइनस 2ac क्या होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस ac होता है ओके। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 2 हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन, 5 माइनस 2x मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस एक्स, बाइनोमियल का हमें बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है ओके। तो 5 का मल्टीप्लीकेशन यह सारे ब्रैकेट के साथ, माइनस 2x का यह ब्रैकेट के साथ ओके। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 5 into 3 15 प्लस 5 into x 5x माइनस 2x into 3 3 to the 6x। फिर क्या करेंगे हम, माइनस 2x को x के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसकी साइन क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2x into x 2x square ओके। 15 एज इट इज प्लस 5x माइनस 6x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस x होगा, प्लस 5 और माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 माइनस होते हैं, तो 1, और चिन्ह जो साइन है वो माइनस, क्यों माइनस हम लिखेंगे, उसमें बड़ा नंबर 6 है और 6 की साइन क्या है, माइनस, इसीलिए हम माइनस साइन लिखते हैं ओके। माइनस एक्स माइनस 2x² ओके। इसी तरह हमें यह बुक की 2, 3 and 4 एग्जाम्पल होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस 5 प्लस 25 ओके। दो बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन है प्लस 25, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस 25 एज इट इज ओके। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x के साथ x क्यूब होगा, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ 5 x² होगा, माइनस 5 का x के साथ माइनस 5x, उसके साथ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 5 into 5 25 प्लस 25 ओके। एक्स की 3 power एक्स क्यूब प्लस 5x² एज इट इज माइनस 5x एज इट इज ओके। माइनस 25 प्लस 25 कितने होते हैं, 0 ओके। तो हमारा आंसर यह है। इसी तरह ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। आपको ये एग्जाम्पल में जो भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड
दोनों इक्वल होती है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इक्वालिटी ए प्लस वन ए प्लस टू इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए प्लस टू। तो हमें क्या करना है, वी से इवेल्यूट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वालिटी फॉर सम वैल्यू ऑफ ए से ए इक्वल टू टेन। हमें क्या करना है, जो हमें ए प्लस वन ए प्लस टू उसमें हम ए की वैल्यू 10 पुटअप करना है। ओके, तो हम पहले LHS लेंगे, LHS ए प्लस वन ए प्लस टू। ओके, तो ए की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 10 प्लस वन। ओके, दूसरे ब्रैकेट में 10 प्लस टू, तो 10 प्लस वन 11 एंड मल्टीप्लाई 10 प्लस टू 12। तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 132 उसका आंसर होगा। इसी तरह RHS यानी क्या है, स्क्वेयर प्लस थ्री ए प्लस टू। ओके, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पुटअप करना है, ए इक्वल टू 10 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2। ओके, 10 स्क्वेयर यानी 100 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 2 इक्वल टू 132। LHS एंड RHS क्या होगा, सेम होगा, 132 होगा LHS और RHS भी क्या होगा 132। इसका मतलब हमें उसे आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट, thus the वैल्यू ऑफ द टू साइड ऑफ द इक्वालिटी आर इक्वल फॉर ए इक्वल टू 10। हमें क्या करना है, ए इक्वल टू 10 हमें उसमें पुटअप की ना, तो ये आइडेंटिटी फाइन हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ टेक ए इक्वल टू माइनस 5 पुटअप करेंगे। LHS इक्वल टू ए प्लस वन ए प्लस टू इक्वल टू ए की जगह क्या माइनस 5 पुटअप करेंगे, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। ओके, तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4 और साइन बड़े नंबर की। ओके, माइनस 4 यह पे भी माइनस 5 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 3। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 4 3 जै 12 माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, RHS में भी ए स्क्वेयर प्लस 3 ए प्लस 2 ए की वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस 5 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वेयर 25 होगा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस 2 12 होगा। तो LHS एंड RHS इक्वल होगा ना। ओके, हमें क्या करना है, LHS और RHS की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम LHS ए प्लस वन ए प्लस टू, तो हम ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। हमें 4a बराबर 10 दिया है। ओके, तो हम a की जगह 10 लिखेंगे, 10 प्लस 1 10 प्लस 2। ओके, 10 प्लस 1 यानी 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके, मल्टीप्लिकेशन है, 10 प्लस 2 12 होगा उसका आंसर। हमें 11 और 12 को मल्टीप्लिकेशन करना है तो 132 उसका आंसर होगा। इसी तरह RHS यह होगा स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 2 ए की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 10 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2। ओके, 10 स्क्वेयर तो 100 हो गए प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 2 उसका हम क्या करेंगे,
एडिशन करेंगे तो 132। तो LHS एंड RHS क्या होगा? इक्वल। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। We shall find that for any value of A, LHS equal to RHS. Such an equality true for every value of the variable in it is called M identity. Thus, हमें A equal to क्या लिया? 10 put up की, तो LHS equal to RHS equal होगा, okay? तो A plus 1, A plus 2 equal to A square plus 3A plus 2 is an आइडेंटिटी, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। एंड इक्वल इज ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द इक्वेशन ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए प्लस टू इक्वल टू 132। ओके, इट इज ट्रू फॉर ए इक्वल टू 10 as in above, but it is not true for a equal to minus 5। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या किया? a की वैल्यू पुट अप की 10। उसी तरह हम क्या करेंगे? a की वैल्यू हमें क्या लेनी है? a equal to minus 5। तो होगा या नहीं तो हम चेक करेंगे। LHS हमने क्या लिया? a प्लस 1 और a प्लस 2। हम a की वैल्यू पुट अप करेंगे, a की वैल्यू माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, माइनस 4, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 3। तो हम 4 इंटू 3 12 होगी, माइनस माइनस प्लस होगी। ओके, RHS क्या है? RHS क्या है? ए स्क्वेयर प्लस 3A प्लस 2। हम A की वैल्यू पुट अप करेंगे, 3 माइनस 5 प्लस 2। तो माइनस 5 का होल स्क्वेयर प्लस होगा, 5 स्क्वेयर 25, माइनस माइनस प्लस होगा ना। ओके, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 5 15 प्लस 2। हमें क्या करना है? प्लस प्लस यानी उस टर्म को हम 25 प्लस 2 माइनस 15। 25 प्लस 2 क्या होगा? तो 27 होगा, उसका सम माइनस 15, तो आंसर 12 होगा। तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, तो वो आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें LHS क्या है? ए स्क्वेयर प्लस 3A प्लस 2। हमें A इक्वल टू माइनस 5 लेना है, पुट अप करना है। तो माइनस 5 होल स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2, तो उसका होल स्क्वेयर 25 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 2। तो 25 प्लस 2 27 माइनस 15। ओके, तो उसका आंसर 12 आएगा। RHS क्या है हमारे पास? 132। तो LHS not equal to RHS। okay, LHS 12 आया और RHS की वैल्यू कितनी आई? 132। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, इट इज नॉट ए स्क्वेयर प्लस 3A प्लस 2 इक्वल टू 132। इट इज ट्रू फॉर A इक्वल टू 10 as in above, but it is not true for A equal to minus 5 or for A equal to 0, etc. Try it so that A square plus 3A plus 2 equal to 132 is not true for A equal to minus 5 and for A equal to 0. हमें क्या किया? A equal to minus 5 put up की, इसमें value तो equality नहीं आई। Okay? नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ओके, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।